स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिर आयुष में। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो आयुष क्लोन के शेयर में जिस तरीके से स्टॉक में तेजी बन रहा, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिस लोगों ने मतलब बहुत सारे ऐसे रहेंगे जिन लोगों ने स्टॉक में थोड़ा ज़्यादा प्राइस में भी खरीद के रखा है। तो इस वीडियो में बहुत सारे अपडेट्स है आयुष क्लोन के शेयर को लेकर, हम लोग कोशिश करेंगे वो आपके साथ शेयर किया जाए। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पर पूरा बने रहिए, कभी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिर आयुष का सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज पर्पस के लिए, हम लोग बिल्कुल भी नहीं कहते कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए बेचना चाहिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते या बेचते खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। अशोक लेलैंड का अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक दिन के अंदर स्टॉक में जो है 4.5% का रिटर्न देखने को मिला है। वही बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो है एक हफ्ते के अंदर 7.9% का रिटर्न दिया और वन मंथ के अंदर स्टॉक में 7.8% का रिटर्न देखने को मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखते हैं मतलब फिलहाल जो है अशोक लेलैंड की ओर से एक डिविडेंड भी दिया जा रहा है जो कि है 2.60 पैसे का, 2.60 पैसे का एक डिविडेंड दिया जा रहा है। मिड रेंज परफॉर्मर फिलहाल अभी कहा जा रहा है अशोक लेलैंड के शेयर को, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ड्यूरेबिलिटी जो है 65 out of 100, वैल्यूएशन 43.50 out of 100, मोमेंटम जो है 56.40 out of 100। बात करते हैं अशोक लेलैंड के शेयर के टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, तो टेक्निकली जो है अशोक लेलैंड का शेयर आप देख सकते हैं जहाँ पे एक न्यूट्रल लेवल पे चल रहा है और RSI इंडिकेटर कह रहे हैं कि भाई ये जो शेयर है अशोक लेलैंड का ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है, माफ़ कीजिए अशोक लेलैंड शेयर जो यहाँ पे RSI इंडिकेटर कह रहा है ये जो शेयर है ओवरबॉट है, मतलब बहुत ज़्यादा जो स्टॉक में खरीदारी भी हुआ है। MACD इंडिकेटर कह रहा है कि जो शेयर है बेयरिश लेवल बना रहा है। यहाँ पे एक दिन के अंदर अगर बात करते हैं अशोक लेलैंड के शेयर में, जो इसका लो प्राइस बनता हुआ दिखा है वो है 158.10 पैसे का, जो हाई प्राइस बना है 167.80 पैसे का। और यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर लो प्राइस जो बनता हुआ दिखा है वो है 151.60 पैसे का, जो हाई प्राइस बना है 167.80 पैसे का। और यहाँ पे वन मंथ के अंदर 144.10 पैसे का लो प्राइस बनाया है और जो हाई प्राइस बना है 167.80 पैसे का। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर सकते हैं मतलब जो इसका वॉल्यूम देखेंगे BSE NSE मिला के एक दिन का जो वॉल्यूम है वो है 50.4 मिलियन का, माफ़ कीजिए जो एवरेज है BSE NSE का जो एवरेज है एक दिन का वो है 50.4 मिलियन का। जो डिलीवरी परसेंटेज है 31.6% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 15.9 मिलियन का है। एक हफ्ते के अंदर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 17.2 मिलियन का BSE NSE मिलकर एवरेज देखने को मिल रहा है, डिलीवरी परसेंटेज 39.5% का है, डिलीवरी वॉल्यूम जो है 6.8 मिलियन का है। और वन मंथ के अंदर 11.3 मिलियन का BSE NSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है, 44% इसका डिलीवरी परसेंटेज है और डिलीवरी वॉल्यूम जो है 5 मिलियन का है। तो स्टॉक अभी देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे जो है वॉल्यूम वगैरह मतलब खरीदारी वगैरह हो रहा है। अभी यहाँ पे देखते हैं जो प्रोमोटर्स है उनके पास 51.53% का स्टेक है और जो FIS है FIS के पास 15.29% का स्टेक था और FIS जो है यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे स्टेक घटा दिया है 14.85% का स्टेक कर दिया है। वही बात करते हैं जो म्यूचुअल फंड के पास 13.56% का स्टेक था, म्यूचुअल फंड के पास अभी जो है 14.52% का स्टेक है और अदर इंस्टीट्यूशन के पास 7.67% का स्टेक था और अदर इंस्टीट्यूशन स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है 7.7% का स्टेक कर दिया। पब्लिक के पास 11.94% का स्टेक था, पब्लिक ने स्टेक यहाँ पे घटा दिया 11.4% का स्टेक कर दिया है। तो दोस्तों जो प्रमोटर्स है उनके पास उतना ही स्टेक है, FIS ने थोड़ा यहाँ पे स्टेक घटा दिया है। एंड वही बात करते हैं जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ने स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है और जो अदर इंस्टीट्यूशन है 7.67% का स्टेक था 7.7% कर दिया है। पब्लिक के पास 11.94% का स्टेक था तो पब्लिक ने यहाँ पे स्टेक 11.4% का था, पब्लिक ने भी यहाँ पे स्टेक थोड़ा घटा है और जो अदर इंस्टीट्यूशन है उन लोगों ने स्टेक थोड़ा बढ़ाया है। तो इसका एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस जो है अशोक लेलैंड का वो है 178.21 पैसे का, 178.21 पैसे का इसका एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस है। अभी अशोक लेलैंड को लेके यहाँ पे देख सकते हैं जो अशोक लेलैंड का जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जो है अशोक लेलैंड काम कर रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि अशोक लेलैंड जो है फिलहाल अभी जो इसका ग्रोथ है यहाँ पे बताया जा रहा है कि अशोक लेलैंड डिवाइसेस मीडियम टर्म प्लान टू बूस्ट शेयर अक्रॉस ट्रक एंड बस सेगमेंट्स। तो अशोक लेलैंड का जो बिजनेस है मतलब उस बिजनेस में अगर देखेंगे तो फिलहाल ये उसका जो ट्रक और बस सेगमेंट है उसमें उसका बिजनेस को बूस्ट करने के लिए ग्रो करने के लिए काम कर रहा है। एम्स टू ग्रो इट्स इंटरनेशनल बिजनेसेस बाय एक्सपेंडिंग टू 50 कंट्रीज। तो अशोक लेलैंड जो फिलहाल अभी उसका जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें 50 कंट्रीज़ में जो उसके बिजनेस को एक्सपेंड करने का यहाँ पे बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो है सोचा जा रहा है कि 50 कंट्रीज़ में जो है
अशोक लेलैंड उसका बिजनेस को बढ़ाएगा। अभी यहाँ पे अशोक लेलैंड जो आप देखते हैं, मतलब जो एक लीडिंग मेकर है ट्रक्स एंड बस का, हैज चॉक्ड आउट एन एग्रेसिव मीडियम टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजी अंडर व्हिच द कंपनी एम्स टू इंक्रीज मार्केट शेयर टू 35% इन मीडियम एंड हैवी ट्रक सेगमेंट एंड 25% इन स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स। तो अशोक लेलैंड का आप देख सकते हैं जहाँ पे, मतलब अशोक लेलैंड का जो आप बोल सकते हैं एक मार्केट लीडर कहा जाता है अशोक लेलैंड को, एक मार्केट लीडर कहा जाता है अशोक लेलैंड को बस एंड ट्रक्स में, उसका फिलहाल अभी जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहाँ पे कंपनी का मतलब अगर देखा जाएगा तो कोशिश कर रहा है कि 35% इसका जो है मीडियम एंड हैवी ट्रक्स सेगमेंट में इसका शेयर बढ़ाया जाए और 25% स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स में शेयर को मतलब इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। द कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इट्स पॉजिटिव ग्रोथ मोमेंटम दिस फाइनेंशियल through Q1 of the financial was a little weak due to pre-buying ahead of BSB1 phase 2 norms। तो फिलहाल यहाँ पे अशोक लेलैंड बोल सकते हैं कि जिस तरीके से उसके बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए कोशिश कर रहा है तो हमें लगता है कि उसके चलते शेयर में भी एक तेजी बन सकता है आगे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि अशोक लेलैंड का दोस्तों यहाँ पे जो बोल सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है उसका मार्केट शेयर ग्रो करने के लिए एम एंड एचसीबी सेगमेंट में जहां पे 35% यहां पे कोशिश कर रहा है वो किया जाए, जो कि अभी अगर देखेंगे फाइनेंशियल 2023 में 32% था, तो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और सपोर्टेड बाय सुइटेबल प्रोडक्ट्स लॉन्चेस नेटवर्क एक्सपेंशन एंड यहां पे बहुत सारे ऐसे चीज कर रहा है जहां पे इसका मार्केट शेयर जो है बढ़ाया जाएगा एम एंड एचसीबी में। तो अंडर द मीडियम टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजी इट हैज टेकन अप जोन वाइज मैंडेट्स टू अचीव मार्केट शेयर इंक्रीज टारगेट एज द कंपनीज मार्केट शेयर इन द नॉर्थन 25% एंड ईस्टर्न 24% regions are substantially lower than office market share in the other region। तो फिलहाल यहाँ पे अगर देखेंगे तो अशोक लेलैंड का जिस तरीके से अशोक लेलैंड अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यहाँ पे नए नए प्रोडक्ट्स भी मतलब लॉन्च करेगा तो लगता है दोस्तों आगे ये शेयर जो है अशोक लेलैंड का ज़रूर एक रिटर्न भी दे सकता है। अभी यहाँ पे अशोक लेलैंड का जो एक टारगेट प्राइस देखने को मिला है अशोक लेलैंड के शेयर का वो है 215 रुपये का। 215 रुपये का एक टारगेट प्राइस दिया गया है प्रभुदास के ओर से और प्रभुदास लीलाधर जो है यहाँ पे का मतलब इन लोगों का मानना है कि इसका टारगेट प्राइस जो 215 के आसपास है तो एक बहुत बड़ा टारगेट प्राइस बोल सकते हैं कि अशोक लेलैंड की ओर से दिया गया है और मतलब माफ कीजिए प्रभुदास की ओर से दिया गया है अशोक लेलैंड के शेयर को लेके। और अभी इसका डिविडेंड की बात करते हैं अशोक लेलैंड का, तो अशोक लेलैंड का डिविडेंड आप देख सकते हैं अभी तक जो 22 डिविडेंड अशोक लेलैंड ने दिया है और पास्ट 12 मंथ्स के अंदर अशोक लेलैंड जो 1 रुपये का डिविडेंड दिया और अभी कुछ दिन पहले मतलब अभी जो एक डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो है 2.60 पैसे के आसपास। तो यहाँ पे दोस्तों एक अच्छा खासा डिविडेंड भी आपको देखने को मिल जाता है अशोक लेलैंड के शेयर में, अगर देखेंगे तो अच्छा खासा एक डिविडेंड भी देखने को मिलता है और शेयर में भी तेजी बन रहा है। फिलहाल अगर देखेंगे तो शेयर का प्राइस 160 या 168 के आसपास चल रहा है और यहाँ पे जो अपडेट वगैरह देखने को मिल रहा है हो सकता है कि ये शेयर 200 के ऊपर भी पहुंचे। तो अशोक लेलैंड के शेयर में अगर किसी ने खरीदारी करके रखा है एक बार जरूर खुद से रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। यहाँ पे ये जो वीडियो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है कोशिश की हम लोगों ने आपके साथ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए, उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोविच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।